राइट, तो प्रीतिका आपको ही जवाब देना होगा इस सवाल का भी कि आपने जो बातें बताई वो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या एक 8th क्लास का स्टूडेंट इज कैपेबल कि वो ये बातें डिसाइड कर पाए और उस तरीके से और सही दिशा में सोच पाए ताकि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 12th के बाद उसके लिए पिक्चर क्लियर हो? देखिए, ये एक अकेले बच्चे की जर्नी नहीं है, इट्स अ टीम एफर्ट जिसमें सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होने चाहिए, बच्चा, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ये तीनों का एक ट्रायंगुलर टीम वर्क होना चाहिए। बच्चा क्या करना चाहता है और उसकी स्किल्स कैसी हैं, क्या वो क्रिएटिव है, क्या वो कम्युनिकेटिव है, या बच्चे में न्यूमेरिकल स्किल्स हैं, या कितना वो इंट्यूटिव है, ये सारी चीजें एक टीचर बच्चे को 8 to 9 hours उसके साथ रहता है एनालाइज कर सकता है। एंड पेरेंट्स के साथ एक टाइम टू टाइम मंथली उनकी इंटरेक्शन होती है जिसमें वो बच्चे के पेरेंट्स को अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एंड हम बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं, हम उसको जैसे इंटर्नशिप्स हो गई, या हम उसको एक कोई एक्सप्लोर एक्टिविटीज दे सकते हैं कि आपको ये रिसर्च और एक्सप्लोर करने के लिए एक्टिविटी मिली है, तो वो छोटे छोटे से, या बच्चे को एक खुद की ही ब्रैकशीट क्रिएट करने को बोलो कि आप क्या चाहते हो, आपको कैसी चीजें करनी अच्छी लगती हैं, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, बच्चा कैसा है, और बच्चे के इंटरेस्ट, पोटेंशियल, एप्टीट्यूड को एक अलाइन करके उसमें 9th से ही उसकी रोड मैप रेडी हो, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतने 99.9% वाले बच्चे को भी श्योरिटी नहीं होती कि उसको उसका ड्रीम कॉलेज मिलेगा कि नहीं, तो उसमें 80% वाला बच्चा कुछ ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में कम है। तो इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ कि ये जर्नी बहुत प्लान्ड होनी चाहिए और ये प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट होके, ताकि बच्चा एक टाइम फ्रेम को फॉलो करे और उसके पास पता हो कि मुझे 9th में क्या करना है, 10th में क्या करना है, मेरा +1 का गोल क्या है, ताकि 12th के बाद उसको एक फ्रस्ट्रेशन ना हो, या बच्चा 12th के बाद ये ना सोचे कि मैं एक साल ड्रॉप करूं या नेक्स्ट ईयर प्लान करूं, ताकि उसको उसका ड्रीम कोर्स, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम डेस्टिनेशन इमीडिएटली द स्टूडेंट कंप्लीट्स 12th उसको उसमें एडमिशन मिल जाए। तो ये एक टीम एफर्ट, ये बड़ा अच्छा कहा आपने कि टीम एफर्ट है और उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी है। मानवी, तो आई होप कि आपने हमारी अब तक की बातें सुनी होंगी। मान लीजिए कि कोई बच्चा 8th से ये शुरू करता है और 8th और 9th में आ गया, अब जब वो 10th और 12th, 10th के बाद 11th और 12th कर रहा है, क्या वहां पर वो ये डिसाइड कर सकता है कि नहीं, मुझे या तो कुछ बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, अब हम सब जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में सीटें लिमिटेड होती है, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर मुझे अपना 11th या 12th का ही रिजल्ट अच्छा करना है ताकि एक बेहतर परसेंटेज के साथ मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस के लिए अपनी या तो अप्लाई कर सकूं या फिर वहां पर आगे जा सकूं? अब दोनों की अप्रोच बहुत अलग अलग है। अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो इट्स अ डिफरेंट अप्रोच, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है जो कि 12th के बाद ही होती है, तो उसकी अप्रोच डिफरेंस है। क्या यहां पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है? मतलब ये थोड़ी एक ऐसी बात है जहां पर बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट 9th, 10th, 11th, 12th सही टाइम है सोचने का कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि अगर हम प्लान नहीं करेंगे, अगर हम कोई एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो उस तक पहुँचेंगे कैसे। तो 9th, 10th, 11th, 12th में सबसे पहले सोचना कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट, रुचि रखता हूँ, मेरा एप्टीट्यूड, मेरे स्कोर्स क्या बोलते हैं, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उस पर ध्यान देना कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। और अब CBSE ने इतना आसान कर दिया है, वो नहीं रहा कि आपको सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है या साइंसेस पढ़ना है, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। काफ़ी बच्चे कंप्यूटर साइंस के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिना मैथ्स के पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। सो क्योंकि CBSE ने लिबरल कर दिया है, इवन बाकी करिकुलम्स ने लिबरल कर दिया है चॉइसेस, तो आप अपनी चॉइसेस ओपन भी रख सकते हैं और डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको क्या कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स लेने हैं। प्लस अब आई थिंक एक और चीज़ है कि यहाँ पर अकेला इंजीनियरिंग और अकेला BCom नहीं रह गया है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम ही हैं इंडिया में जो आगे हमें नेक्स्ट पड़ाव तक लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम हमें लेना है, ये सब तैयारी बच्चे को 10वीं से ही सोचना है। ऑल्सो जितने ये एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है जो CBSE में बच्चा पढ़ रहा है। स्पेशली अगर आप CUET देखेंगे, उसमें एक सब्जेक्ट एरिया एग्जाम भी है एंड जनरल एप्टीट्यूड एग्जाम है। जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी वैसे भी बच्चे को करनी चाहिए,
एंड जो सब्जेक्ट एरिया एग्जाम है वो ऑलरेडी वो बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा है और उसकी तैयारी कर सकता है।